मंत्री हेमंत सोरेन ने किया बड़ा ऐलान, गरीबों के लिए पेट्रोल डीजल होगा सस्ता। गरीबों को पेट्रोल पर 25 रुपए की छूट देंगे, सिर्फ दोपहिया वाहनों को मिलेगी छूट, बीपीएल कार्ड धारकों को मिलेगा फायदा। हरिद्वार में भड़काऊ भाषण देने वालों के साथ वीडियो में हंसता हुआ दिखा पुलिस अधिकारी। बता दें कि हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने भड़काऊ भाषण दिए थे, जिसके बाद से काफी विवाद मचा हुआ है। शीत लहर और कड़ाके की ठंड के चलते उत्तर प्रदेश में 8वीं तक के स्कूल 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। लखनऊ 1984 बैच के आईएएस दुर्गा शंकर मिश्रा यूपी के चीफ सेक्रेटरी बने। उत्तराखंड ओमिक्रॉन संक्रमण के मद्देनजर इलेक्शन स्थगित करने की याचिका पर हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब। बिजनौर, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भयभीत बदमाशों ने पुलिस वालों की लात घूसों से पिटाई कर राइफल छीन ली, पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, विराट पुजारा फिर से फेल, फैंस ने लगाई क्लैश, सोशल मीडिया पे हो रही है किरकिरी। 2022 राज्य चुनाव, भाजपा ने कहा हम चुनाव आयोग का हर फैसला मानेंगे, वर्चुअल रैलियों के लिए हैं तैयार। महाराष्ट्र में नए साल के जश्न पर कई पाबंदियां, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। मिर्जापुर थाना कोतवाली कटरा क्षेत्र के अंतर्गत मालवीय नगर मकरी गोह निवासी राहुल सिंह पुत्र त्रिभुवन सिंह ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर कोतवाली कटरा पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।